प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने यूट्यूब चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्वाला देवी मंदिर तक दर्शन हेतु लेकर के चल रहे हैं। जब आप ज्वाला माता के मंदिर तक पहुंचेंगे तो मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक दाहिने तरफ शनिदेव महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आप शनिदेव महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। चूँकि यह रात्रिकालीन दृश्य है इसलिए विजन कुछ कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा समझ में आ रहा था। बाईं ओर भैरव बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आप अभी भैरव बाबा का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर शनिदेव एवं भैरव बाबा दोनों तरफ कोतवाल की भूमिका में हैं। अब हम मंदिर के परिसर में अंदर की ओर प्रवेश किए, जहां पर माता ज्वाला भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए विराजित हैं। ज्वाला देवी के मंदिर परिसर में जाने के बाद एक दिव्य अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनजान सी शक्ति है जो हमें एक ऊर्जा प्रदान कर रही है। कुछ न कुछ तो प्रभाव है, कुछ न कुछ तो आश्चर्य है जो यहाँ आने के बाद ऐसी अनुभूति हो रही है। हमें भी ऐसी ही अनुभूति यहाँ पर प्राप्त हुई। आप माता ज्वाला का दर्शन कर रहे हैं, ज्वाला धाम तक पहुँच चुके हैं, लेकिन ज्वाला धाम के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। माता ज्वाला के प्रादुर्भाव के कथा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ विराजित माता ज्वाला के प्रादुर्भाव की कथा यहाँ के प्रधान पुजारी श्री भंडारी जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई। यह घटना वर्ष 2006 की है, जब मंदिर के वर्तमान प्रधान पुजारी श्री भंडारी जी महाराज एक दिन वन भ्रमण के लिए निकले। वन भ्रमण में वे इसी स्थान पर पहुंचे जहां पर अभी वर्तमान में माता ज्वाला विराजित हैं। जब वन भ्रमण के दौरान यहां पर वे पहुंचे तो उन्हें एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी, जिस आवाज को वे पहचान नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें लगा कि ऐसे ही किसी जीव जंतु की आवाज हो सकती है और वे कुछ देर वन भ्रमण के बाद अपने घर को प्रस्थान कर गए। जब भंडारी जी महाराज रात्रि विश्राम कर रहे थे तो उन्हें स्वप्न में एक देवी माता का दर्शन हुआ। स्वप्न में देवी माता ने बताया कि वन में आप जो आवाज सुने वह मेरी ही आवाज थी। मैं ज्वाला माता हूँ। मेरा मूल रूप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, जहाँ पर मैं दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हूँ, परंतु यहाँ पर एक पिंडी के रूप में लोगों को दर्शन देने हेतु, भक्त जनों का कल्याण करने हेतु आई हूँ। अतः तुम उस स्थान पर जाओ और जहाँ पर मैं पिंडी के रूप में प्रकट हुई हूँ, वहीं पर मेरे लिए एक मंदिर की स्थापना करो, जहाँ पर समस्त भक्तगण आकर मेरा दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। स्वप्न वाली माता जी के आदेशानुसार श्री भंडारी जी महाराज ने वन में जाकर देखा तो उन्हें एक पिंडी प्राप्त हुई और इस पिंडी पर उन्होंने एक मंदिर तैयार कराया। मंदिर तैयार होने में लगभग एक वर्ष का समय लगा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद अन्य भक्तों के द्वारा भी यह इच्छा जताई गई कि हम सब लोग भी इसमें कुछ सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। समस्त ग्रामीण जनों एवं भक्तों ने मिलकर एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान ही आकाशमंडल में काले घने बादल दिखाई देने लगे। इसी बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ एक दिव्य प्रकाश पुंज आया और एक करौंदे के वृक्ष में समाहित हो गया। जिस समय वह दिव्य प्रकाश पुंज करौंदे के वृक्ष में समाहित हुआ, उस समय वहां उपस्थित भक्त जनों को ऐसा आभास हो रहा था कि माता घुंघरू की आवाज के साथ झूमती नाचती हुई उस स्थान पर आ रही हैं। तभी अकस्मात वहां उपस्थित भक्त जनों को एक विशिष्ट चमत्कार का सामना करना पड़ा। करौंदे की जड़ से अद्भुत आभा मंडल के साथ एक दिव्यतम प्रतिमा प्रकट हुई, जो वर्तमान में अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। वही प्रतिमा माता ज्वाला के रूप में विख्यात हुई। आप माता ज्वाला का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।
प्रेम से बोलिए ज्वाला माता की जय। ज्वाला माता मंदिर के बरामदे में ही एक विशाल पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे एक शिवलिंग विराजित है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के नीचे विराजित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शनि से संबंधित समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी भी दर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजित हैं। आप वीर बजरंग बली का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं जो कि विशालकाय शरीर लिए हुए मंदिर परिसर में विराजित हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मंदिर का यह परिसर अत्यंत दिव्य है और परिसर से भी अधिक दिव्य यहाँ विराजित माता हैं। आप यहाँ से भोग प्रसाद की संपूर्ण सामग्री खरीद सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लड्डू की दुकान है जहाँ से आप माता को भोग लगाने हेतु लड्डू प्रसाद खरीद सकते हैं। रेट भी लिखा हुआ है, एक पाव 50 रुपये, आधा किलो 100 रुपये। आप यहाँ से माता से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ पर छोटी सी दुकान में सब कुछ उपलब्ध है। यह दुकान मंदिर समिति के द्वारा ही संचालित है। यहाँ पर माता की फोटो, माता का स्टिकर, माता का नाम प्रिंट किया हुआ तौलिया, गाड़ी में लटकाने वाले छोटे छोटे छल्ले, चाबी के छल्ले इत्यादि, कुल मिलाकर माता से संबंधित अनेक सामग्रियां इस दुकान में उपलब्ध हैं। आप यहां से चुनरी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सामग्रियां यहां पर इस दुकान में उपलब्ध हैं जिसे आप खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। जिस समय हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो 30 दिवसीय अखंड राम नाम संकीर्तन चल रहा था। इस मंदिर में प्रतिदिन दूर दराज से असंख्य श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं माता को सुनाकर जाते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्तगण जाकर पूरी श्रद्धा के साथ माता के सामने शीश झुकाते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं यथाशीघ्र यथासंभव पूर्ण करती हैं। शाम का समय है, आरती का समय हो चुका है, हमें भी आरती में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री भंडारी जी महाराज के सान्निध्य में माता ज्वाला की दिव्यतम एवं अलौकिक आरती की जाती है। आरती संपन्न होने के बाद भंडारी जी महाराज परिक्रमा के लिए निकलते हैं। परिक्रमा के बाद वे जब मंदिर में आते हैं तब भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। हमें इस मंदिर में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं कि समस्त भक्तगण पंक्तिबद्ध रूप से बैठे हुए हैं। इसी तरह से बैठे बैठे अवस्था में इन्हें आरती दिया जाएगा, प्रसाद वितरित किया जाएगा। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर धक्का मुक्की वाला कोई रोल नहीं है कि प्रसाद वितरित हो रहा है, हम धक्का मार के आगे बढ़ें और हमें शीघ्र प्रसाद प्राप्त होगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत तगड़ी दिखाई दी, जिसके अंतर्गत ज्वाला माता की आरती में सम्मिलित होने के बाद सभी भक्तगण ज्वाला माता के ठीक सामने में ही मंदिर परिसर में ही आराम से बैठ जाते हैं, जहां पर उन्हें आरती एवं प्रसाद वितरित किया जाता है। यह व्यवस्था अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी भंडारी महाराज का आगमन हुआ। परिक्रमा पूर्ण करके भंडारी महाराज अंदर आते हैं। वे आरती के बाद मंदिर परिसर का संपूर्ण परिक्रमा लगाने के बाद पुनः अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद देख पा रहे हैं भक्ति में लीन भंडारी जी महाराज राम नाम संकीर्तन वाले स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का, हनुमान जी का चरण वंदन करके फिर से ज्वाला माता की ओर आगे बढ़े। ज्वाला महारानी की, ज्वाला दरबार की, प्यारे भक्तों की। आप भंडारी जी महाराज को देख पा रहे हैं कि माता के दाहिनी छोर में गए और वहाँ से माता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही सभी भक्तगण भी अपने अपने स्थान से माता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय जय
आरती संपन्न होने के बाद श्री भंडारी जी महाराज के स्थल पर खड़े हो जाते हैं और सभी भक्तगण बारी बारी से उनकी चरण वंदना करते हैं। भंडारी जी महाराज ने हमें बताया कि प्रत्येक सोमवार को माता रानी का चौरा लगता है। इसके अलावा प्रत्येक माह की पूर्णिमा के बाद मंगलवार या शनिवार में से जो पहले आ जाए अथवा पूर्णिमा के दिन ही जो आ जाए उस दिन विशिष्ट चौरा लगता है, जब भक्त अपनी मनोकामनाएं माता को सुना सकते हैं। अब बारी आती है प्रसाद वितरण का। सबसे पहले भंडारी जी महाराज को आरती दिया जाता है, आरती के बाद प्रसाद दिया जाता है और यही सिलसिला सभी भक्तों तक पहुंचता है। पहले आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण, यह एक दिव्यतम व्यवस्था है। मैं सभी मंदिर समिति वालों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भंडारी जी महाराज की इस व्यवस्था का अनुसरण करें और प्रसाद वितरण में होने वाले भगदड़ को बचाएं। प्रसाद वितरण हेतु इसी तरह की व्यवस्था रखें जिससे सभी भक्तों को समान रूप से आरती एवं प्रसाद प्राप्त हो सके। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्वाला माता का यह पावन मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के उमरिया जिले के अंतर्गत नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर और कटनी शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर दिव्यतम आभा लिए हुए विराजित है। यहाँ तक आकर आप माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप देख पा रहे हैं प्रतिदिन भंडारा होता है। आप यहाँ पर पेट भर भंडारा प्रसाद प्राप्त करके यहाँ के धर्मशाला में रुक सकते हैं, यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार ज्वाला माता का दर्शन प्राप्त करने, उनसे आशीर्वाद लेने अवश्य आइएगा।